नमस्कार, मैं हूं अनिकेत सिंह और आप देख रहे हैं TV45। बिहार में सुशासन की बात करने वाले नीतीश कुमार की सरकार में एक बार फिर से जंगल राज रिटर्न देखने को मिल रहा है। बिहार में आम जनता तो दूर, नेता भी सुरक्षित नजर नहीं आ रहे हैं। बिहार में लगातार आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं। दिन दहाड़े लोगों को गोली मार दी जा रही है, चाहे वो नेता हो या फिर आम जनता। यहां पर अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं और कोई भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। बिहार के कई जिलों से ताजा मामले सामने आ रही है, जहां पर अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं और आपराधिक घटनाओं को दिन दहाड़े अंजाम दे रहे हैं। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, यहां तक कि नेता भी सुरक्षित नजर नहीं आ रहे हैं। लोजपा नेता अनवर खान की गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। वहीं वैशाली जिले से भी खबर सामने आ रही है, जहां बाइक सवार मजदूर का पीछा कर अपराधियों ने गोली मार दी। और आपको बता दें कि बिहार के अन्य कई जिलों से भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि पटना सिटी में भी एक बदमाशों ने 20 वर्षीय युवक को गोली मारकर जख्मी कर दिया। वहीं एक बिहार से मामला सामने आया है, सिवान से, जहां पर बेखौफ अपराधियों ने एक मवेशी सप्लायर को गोली मार दी। तो जिस तरीके से बिहार में लगातार आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, यहां पर अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं। बिहार में सुशासन की बात करने वाले नीतीश कुमार की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर फेल होती हुई नजर आ रही है। अपराधी बेखौफ है, दिन दहाड़े घटना को अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो आम जनता हो, नेता हो, अधिकारी हो, कोई भी यहाँ खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। जहाँ सुशासन की बात की जा रही थी, लेकिन जैसे ही आपको बता दें कि सुशासन की सरकार बनी है, तब से लगातार यहाँ पर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। हर जिले से ऐसा कोई दिन नहीं जाता जहाँ पर आपराधिक मामले सामने नहीं आते। हर दिन कहीं ना कहीं गोली चलती है, किसी की जान ले ली जाती है और लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे बिहार की जनता में खौफ देखा जा रहा है। वो सुशासन की बात तो सुन रहे हैं, लेकिन सुशासन उन्हें कहीं नजर नहीं आ रहा है। इसलिए बिहार की जनता बेखौफ होकर यहाँ पर डर के माहौल में जीने को मजबूर है, जिस तरीके से अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जहां पर लोजपा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई, वहीं मवेशी तस्कर को भी अपराधियों ने गोली मार दी और एक युवक को भी गोली मारी गई है। बताया जा रहा है कि वह 20 वर्षीय छात्र है, जहां आपसी रंजिश में उसे गोली मार दी गई। तो लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं बिहार से, जहां पर सुशासन की बात की जाती है, सुशासन की सरकार की बात की जाती है, लेकिन वहीं पे लॉ एंड ऑर्डर फेल होता हुआ नजर आ रहा है। जहां बिहार को और बेहतर बनाने की बात की जा रही है, वहीं आपराधिक मामले घटने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार बिहार के हर जिलों से आपराधिक घटनाओं के मामले सामने आ रहे हैं। कहीं किसी को गोली मार दी जा रही है, कहीं नेता को गोली मार दी जा रही है, तो लोग खुद को महफूज नहीं समझ रहे हैं। जिस तरीके से बिहार में जो आपराधिक घटनाएँ बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं सरकार और लॉ ऑर्डर यहां पर विफल साबित होती दिख रही है। इस पर अधिक बात करने के लिए हम आपको पटना लेकर चलेंगे, जहां से हमारे संवाददाता राजीव कमल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाएं हो रही है, सुशासन की बात होती है, लेकिन लगातार जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा है कि बिहार में सुशासन की सरकार है। लोग वहां डरे हुए हैं, लोजपा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, किस तरीके से देख रहे हैं इसे आप? देखिए, अभी तक लगभग 5 से ज्यादा मर्डर हो चुकी हैं, तो ये एक बिहार के लिए बहुत बड़ा आपराधिक घटनाएं जिस तरीके से घटित हो रही है। अपराधियों का एक तरीके से बोलबाला आप कह दीजिए। लोजपा विधायक की गया में जिस तरीके से मर्डर कर दी गई, और उसके बाद आपको पिछले ही दिनों जब फतुहा में एक घटना की घटी हुई है, उसके बाद बहुत सारे जो जिले हैं उसमें आरा में भी घटना हुई है, मुंगेर में भी घटना है, कई जगहों पे जो मर्डर की घटना सामने आ रही है, 5 से ज्यादा से मर्डर आपको 24 घंटा में होती है। तो ये एक तरीके से सुशासन की जो बात नीतीश कुमार
शुमार करते हैं उसका तो दावा जरूर खुल रहा है। और साफ तौर पर यह है कि विपक्ष इस पर हमलावर जरूर है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि जो नीतीश कुमार के हाथों में सरकार चल रही है अब उनका जो जनाधार है, जो कुनबा है, वो खत्म हो चुका है और जो सरकार चला रहे हैं वो केवल अधिकारियों के कहने पर चला रहे हैं, अधिकारियों से चला रहे हैं। लेकिन बिहार में अपराध की घटनाएं का ग्राफ जो तेजी से बढ़ रहा है वो छिपा नहीं है। और ये एक जब खुसरूपुर की भी घटना एक अब बड़ी घटना संसार कर एक दलित महिला के साथ घटती है, चाहे मर्डर की घटनाएं जो तेजी से हो रही है, ये घटनाओं से नीतीश कुमार का जो छवि सुशासन वाली है उससे जरूर धूमिल होती है। और जो बार बार विपक्ष आरोप भी लगाता है कि जो सरकार चल रही है वो अपराधी के हाथों में चली गई है, अपराधियों के साथ समझौता कर ली है और अपराधियों का तांडव एक तरीके से बिहार में चल रहा। और जो घटनाक्रम है जो 24 घंटा के अंदर से ज्यादा हुई है वो एक तरीके से बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाली है। और बिहार में अपराधियों का जिस तरीके से तांडव है तो लोगों में घबराहट है, क्योंकि अगर मर्डर इस तरीके की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं तो लोग जो सुशासन की बात जो नीतीश कुमार के 18 साल के जो शासन की कहते हैं कि हम किसी को छोड़ते नहीं किसी को और हम बेकसूर को हम पकड़ते नहीं है, मतलब कि किसी भी कीमत पर अगर कोई भी संलिप्त हो चाहे बड़े अपराधी हो या छोटे अपराधी हो उनको हम बचाते नहीं है, मतलब कि नीतीश कुमार के कहने जो कहते हैं कि सुशासन के लिए हमारी सरकार है सुशासन से समझौता नहीं करते हैं। और बार बार नीतीश कुमार हर जगह जाते हैं चाहे सचिवालय में अधिकारियों को कि आप समय पे आइए काम करिए आप काम दिखाइए, मंत्रियों को भी वो कहते हैं कि आप काम करिए, लेकिन बिहार में प्रशासन के जिस तरीके से और जहां एक बड़ा फेरबदल 9 आईएएस अधिकारियों को बदला गया फिर पटना में दरोगा को बदला गया, कई जगह अधिकारियों को बदलाव होते हैं लेकिन प्रभाव नहीं दिखता है जिस तरीके से प्रभाव होना चाहिए प्रशासन का जनता के मतलब अपराधियों के ऊपर। वो अपराधी खुलेआम जो मर्डर की घटनाएं वो कर रहे हैं तो ये सरकार के लिए बहुत ही चिंताजनक जरूर है। आयुष, तो जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ अधिकारियों का तबादला किया जा रहा है वो तो ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन को देख करके किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से लोग जो बिहार में हैं सहमे हुए हैं, जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जंगल राज रिटर्न्स आ गया है बिहार में। देखिए जंगल राज रिटर्न की बात तो विपक्ष शुरू से करेगी, जब से पिछले साल 9 अगस्त से सरकार जब बनी है महागठबंधन के साथ बनी है उसके बाद से आपराधिक घटनाओं को लेकर बार बार विपक्ष इन पर सरकार पर हमला नीतीश कुमार पर कहती है कि हमला बोलती है और कहती है कि अपराध के ग्राफ बढ़े हैं। और जो ये यहां तक भी तो कहा जाए कि जिसके गोद में बैठकर ये सरकार चला रहे हैं उनके आपराधिक घटनाएं वो उनके सरकार में कितनी बड़ी थी, जंगल राज था वो किसी से छिपा नहीं और उससे ज्यादा अब नीतीश कुमार के शासन जो साथ में मिलकर चल रहे हैं एक से ज्यादा का ऊपर हो गया, वो कहते हैं विपक्ष की ये घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं, आपराधिक घटनाएं चाहे वो सांप्रदायिक घटनाएं हो या जो मर्डर की घटनाएं बलात्कार की घटनाएं हो वो तेजी से बढ़ी हैं, इसको लेकर सरकार जरूर घिरती नजर आ रही है क्योंकि घटनाएं जब आपको ज्यादा बढ़ने लग रही है तो सरकार हमलावर है और जो विपक्ष एक तरीके से हमलावर है और जनता भी साफ तौर पर डरी है क्योंकि अगर घटनाएं अगर मर्डर की घटनाएं हो तो लोगों में भय भी जरूर होते हैं, व्यवसायी भी एक तरीके से बहुत ज्यादा भयभीत रहते हैं कि उनको भी किस तरीके से बिजनेस किया जाए किस तरीके से काम किया जाए, तो लोगों में एक बेचैनी जरूर है और इस बेचैनी को देखने के सरकार को जरूर अपने जो अधिकारी हैं चाहे प्रशासन को जरूर एक एक्शन जरूर लेना चाहिए और इन अपराधियों पर नकेल कसने की जरूरत है क्योंकि अगर इस तरीके का तांडव बिहार में होता रहेगा तो बिहार की छवि जो है और जो सरकार की छवि वो धूमिल होती है। लेकिन 2024 चुनाव नजदीक है उसको लेकर सभी पार्टी जो सरकार है वो तैयारी में लगी है, इंडिया गठबंधन की तैयारी वो कर रही है, अपने चुनाव प्रचार की तैयारी कर रही है। विपक्ष कहता है कि ये जो नीतीश कुमार हैं वो प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं, उनसे अब बिहार संभल नहीं रहा है, बिहार जो घटनाएं बढ़ रही है उनको अब उनके काबू में नहीं रहा है, वो अब केवल बड़े ख्वाब देख रहे हैं और वो ख्वाब पूरे नहीं होने वाले। साफ तौर पर बीजेपी का ये हमला नीतीश कुमार पर है कि जो घटनाएं घट रही हैं बिहार में घटनाएं घट रही हैं वो नीतीश कुमार से काबू में नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब इनका इकबाल खत्म हो चुका है और इकबाल पूरे बिहार से इनका अब केवल ये आरजेडी के साथ में और उनके गोद में जाकर बैठे हैं।
लेकिन बीते 24 घंटे में जिस तरीके से यहां पर आपराधिक मामले सामने आए हैं, कई लोगों को गोली मार दी गई, लोजपा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो ऐसे में जनता खुद को कैसे महफूज समझे? जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार बात करते हैं कि सुशासन की सरकार है, बिहार में सुशासन लाना है, लेकिन सुशासन कहीं दिख नहीं रहा है और वो प्रधानमंत्री का चेहरा बनने जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि बिहार की जनता उनका साथ देगी? जिस तरीके से यहां पर बिहार की जो जनता है, लोग है, बेखौफ यहां पर अपराधी जो जिस तरीके से अंजाम दे रहे हैं, लगता है नहीं कि जिस तरीके से सुशासन की बात की जा रही है, बिहार में सुशासन फिलहाल चल रहा है? देखिए, चिराग पासवान हो, चिराग पासवान ने कल ही वो पहुंचे, उन्होंने साफ तौर पर नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में जिस तरीके से घटनाएं और नेताओं का मर्डर किया गया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये सरकार का जो इकबाल कहें, चाहे जो भी जनाधार कहें, वो अब खत्म हो चुका है। नीतीश कुमार केवल अपना पीठ थपथपाने और ख्वाब देखने में रह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री, हमें कैसे बना दिया जाए, संयोजक कैसे, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कैसे बना दिया जाए, संयोजक कैसे बना दिया जाए, लेकिन अब उनका साथ दिख नहीं रहा। देखिए, विपक्ष हो चाहे जनता हो, जनता भी यही इसी तरीके से बात करे। जहां भी आप पूछें कि इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं, तो कोई भी आपको ये नहीं कहेगा, जनता कहेगी कि ये सही है, क्योंकि आपराधिक अगर ग्राफ बढ़ेगा, आपराधिक घटनाएं बढ़ेंगी, तो चिंता का विषय है किसी में, हम में चाहे किसी के लिए। घटनाएं अगर घटती है, मर्डर होता है, तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, वो राज्य सरकार के लिए, प्रशासन के लिए, सरकार के लिए, क्योंकि अगर घटनाएं घटेगी तो सरकार की छवि खराब होगी, सरकार का जो इकबाल है वो खत्म होगा। तो जो घटनाएं को लेकर विपक्ष कहे, जनता इस पर ज्यादा है, क्योंकि घटना अगर अभी मर्डर की घटनाएं 24 घंटे में 5 मर्डर हो जाते हैं, तो सरकार के लिए और बहुत ही चिंताजनक है। इस पर सरकार के लोग कह रहे हैं कि घटनाएं जो हो रही हैं उस पर काबू पाया जा रहा है, अगर जो भी है अपराधी उसको चिन्हित किया जा रहा है, उनको पकड़ा जाएगा, वो चाहे खुसरूपुर की घटना हो या चाहे वो गया में लोजपा के नेता की घटना हो, उस पर सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा है कि कोई भी अपराधी हो, बक्सा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा और उनको एक तरीके सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। मतलब कि सरकार अपने पीठ थपथपाने और कहने में यह साफ तौर पर लगी हुई है कि हम प्रशासन सुशासन की सरकार है, लेकिन सुशासन जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहा है। अगर 24 घंटे में 5 घटनाएं, 5 मर्डर हो जाते हैं, तो यह बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है सरकार के लिए। राजीव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से बिहार में लगातार आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, बीते 24 घंटे के अंदर 5 से 6 हत्याएं हो जाती है, लोजपा नेता की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, वैसे में सुशासन की बात करने वाले नीतीश कुमार, उनकी सरकार में सुशासन तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन जंगल राज रिटर्न्स देखने को जरूर मिल रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, एक यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।